राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुढ़ाखेड़ा लाठर गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी बेटी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर किया ध्वजारोहण। जुलाना क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुढ़ाखेड़ा लाठर में आज आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गांव की सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बेटी को मुख्य अतिथि बनाया गया और गांव की बेटी द्वारा विद्यालय में ध्वजारोहण किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची गांव की बेटी कीर्ति ने बताया कि गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का मौका मिला। बच्चों द्वारा काफ़ी अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम इस दौरान प्रस्तुत किए गए। विद्यालय के अध्यापकों द्वारा सभी बच्चों को कंपटीशन के लिए मोटिवेट किया गया ताकि ग्रामीण बच्चे आगे बढ़ सकें। मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची गांव की बेटी ने बताया कि आज वह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुँची, जिसके चलते उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके द्वारा आज ध्वजारोहण किया गया। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। विद्यालय के स्टाफ द्वारा बच्चों को काफ़ी मोटिवेट किया गया। उन्होंने बताया कि मैं सभी बच्चों को यह कहना चाहती हूँ कि अपने जीवन में शिक्षा को ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि शिक्षा और अनुशासन में रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शिक्षा को आगे लेकर जा रहे हो तो यह एक पावर है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा को कोई बांट नहीं सकता। हर चीज़ बांटी जा सकती है लेकिन शिक्षा नहीं। मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। आज गर्भ में चीख रही से बेटी हिंदुस्तान की। संदेश के आते हैं हमें दर्द वतन जान 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 मन ये समा के बहार दिलदार जान सा
यहाँ पर बुलाया गया था। ये आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा गया था। हमारी जो भी स्टाफ मेंबर हैं, स्कूल के स्टाफ मेंबर और प्रिंसिपल सर, सभी ने ये प्रोग्राम अच्छे से हैंडल किया, सभी बच्चों को मोटिवेट किया है आगे कंपटीशन के लिए, आगे जाने के लिए। और मैं सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन में स्टडी को ज़्यादा महत्व दें, क्योंकि स्टडी और रूल रेगुलेशन में डिसिप्लिन में रहना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप स्टडी को आगे लेके जा रहे हो, क्योंकि ये एक पावर है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं स्टैंड कर सकते हो या कुछ भी अपनी लाइफ में। ये शिक्षा को कोई भी बात नहीं सकता, हर चीज़ें बच सकती हैं। मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा और मेहनत करें और हमेशा अपने कार्य के लिए प्रोत्साहित। हमारे विद्यालय में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। इस अवसर पर गांव वालों ने और स्टाफ साथियों ने बहुत ही हमारा सहयोग किया है। इस अवसर पर हमने जो हमारे विद्यालय से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों ने मेरिट हासिल किया है, उन्हें मोमेंटो और गोल्ड मेडल दिया है। और उसी प्रकार से जो सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, उनमें भाग लेने वाले बच्चों को भी हमने सम्मानित किया गया। इस प्रकार से हम आगे भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेते रहेंगे। सर, एक्चुअली स्कूल में जो है 75वीं वर्ष आज़ादी की वर्षगांठ पर हमारे स्कूल में जो था वो महोत्सव मना गया है, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। जो स्कूल के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं 10th और प्लस 2 क्लास के, उनको सम्मानित किया गया। 6th से लेकर जो 12th के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 1st, 2nd और 3rd पोजीशन ग्रहण की है, उनको भी सम्मानित किया गया है, जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल श्री सत्यवान चोपड़ा और समस्त स्टाफ सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और स्कूल की प्रगति के बारे में बच्चों को मोटिवेट किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो फंक्शन में पार्टिसिपेट करें, अपने भविष्य को उज्ज्वल करें। ये हम 15 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बच्चों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर बहुत ही बड़ा ही आयोजन जो हमने सोचा था उससे बहुत ज्यादा बेहतरीन किया बच्चों ने। भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो, वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।